Hi guys, today we will solve a very tricky and one of the most confusing sum as we solved before many. This is the sum 6 square divided by 2 or iske bracket mein 3 plus 4. So isko we will solve this sum two different ways. Okay, ye hamara sum hai 6 square ye divided by 2 or bracket mein 3 plus 4. तो इसकी सॉल्विंग हम कहाँ से करेंगे. 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पहले हम अपने ऑपरेशन यानी कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही जाएंगे कि हमारा बोर्ड मास में ब्रैकेट आता है. तो 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 टू जा 6 प्लस 4 6 6 जा 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 और उसके बाद में इसमें डिवाइड पहले करेंगे या प्लस करेंगे. तो इसमें क्या करेंगे 36 डिवाइडेड बाय 6 बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम डिवीजन को पहले करेंगे. तो 36 डिवाइडेड बाय 6 का क्या आंसर हुआ हमारा 36 आ गया प्लस 4 तो इसका आंसर हमारा 10 हो गया. अब इसको हम सेकंड वे में सॉल्व करेंगे. 6 square divided by 2 bracket में 3 plus 4 तो 6 6 है 36 divided by 2. अब इसमें क्या करेंगे पहले इसको as it is उतार देंगे 3 plus 4. अब हमें क्या करना है इसको हम 2 का इसमें 36 में division करेंगे यानी कि 2 1 या 2 2 8 जा 6 यानी कि 16 और 3 का 3 और प्लस 4 एज इट इज हम उसको उतार देंगे. उसके बाद 18 3 जा हुआ हमारा 54 प्लस 4 और आंसर क्या हुआ 58. नाउ वी हैव टू आंसर्स इज इट 10 और इज इट 58. टू डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेशन द आंसर प्रोवाइड डिफरेंट रिजल्ट्स. व्हाइल सॉल्विंग द सम we only think about the correct order of operation means word mass. यानी कि हम इसको सॉल्व करते समय केवल अपना word mass को ध्यान में रखते हुए करेंगे. तो which one is right? This one 6, ये 10 और 58. तो हमारा word mass के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो हमारा आंसर इसका क्या हुआ 10. 10 is the right answer. कुछ बच्चे एग्ज़ाम में आते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो सिंपल वे में सॉल्व हो गया है ना हमारा ये सम है यहाँ पे डिवीज़न है लो हमने डिवीज़न कर दिया और इसको हमारा आंसर 58 हो गया ये बिल्कुल सही है. बट इसको हमें राइट वे में सॉल्व करना है. ऐसे नहीं है कि हाँ जो आया जैसे प्लस आया तो प्लस कर दिया मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लाई कर दिया कुछ भी कर दिया ऐसा नहीं. हमें अपना बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही चलना है. सबसे पहले हमें बोर्ड मास मीन्स वही ब्रैकेट ओ मीन्स ऑफ डी फॉर डिवीज़न एम फॉर मल्टीप्लिकेशन ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन. तो हमें पहले इसमें हमें हमेशा ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होता है. ब्रैकेट भी थ्री टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं स्मॉल कर्ली एंड लार्ज ब्रैकेट. तो ब्रैकेट में भी एक सीक्वेंस चलता है. अभी इसमें तो एक ही है तो हम अपना यही सॉल्व कर लेंगे. अब इसी का एक सिंपल वे का एक और छोटा सा सम देख लेते हैं. 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3 प्लस 1. अब इसमें माइनस भी है डिवाइड भी है प्लस भी है. तो अब हम इसमें कहाँ से सॉल्विंग करेंगे. तो हम अपना बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए ही इसको सॉल्व करेंगे. तो बोर्ड मास में क्या होता है ब्रैकेट नहीं है ऑफ वे नहीं है डी फॉर डिवीज़न पहले आया तो वी विल गो फॉर डिवीज़न फर्स्ट. तो 9 माइनस 3 अब डिवीज़न में कोई भी सम है अगर हम इसको डिवीज़न में करना है तो इसको मल्टीप्लाई करके हम उसको उल्टा लिख सकते हैं यानी कि 4 इंटू 3 कर दिया और प्लस 1 कर दिया. तो 9 माइनस ये 3 और 3 का क्या हो गया 9 और प्लस 1 और उसके बाद में 9 में से 9 गया 0 प्लस 1 और आंसर हमारा 1 आ गया. तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया 1. इसमें बस एक ही कन्फ्यूज़न था
कि हमें डिवाइड से शुरू करना है या इसमें यहाँ माइनस या प्लस को पहले करना है। तो हमारा इसमें आ गया कि हमें यहाँ पर डिवाइड से स्टार्ट करना है। देन गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। Oh, 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 oh